करते हैं। क्या बोलते पप्पन का आज दुनिया में मेरा नया नाम पता चल गया। मीम्स बने। नहीं, नर्वस भी हैं, एक्साइटेड भी हैं और खुश भी बहुत हैं, क्योंकि ये फिल्म 2 साल पहले बननी शुरू हुई थी और लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन लगता चला गया और हम लोग ये इंतज़ार कर रहे थे कि कब एक अच्छा वक्त आए जब हम ये फिल्म रिलीज़ कर पाएँ, और अभी रिलीज़ हो रही है तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि इतने दिल से और इतनी मेहनत से और इतने अच्छे मैसेज के साथ जो हम ये फिल्म लेकर आ रहे हैं वो रिलीज़ हो रही है। फ्रेंड्स और फैमिलीज के रिव्यूज़ कितने मैटर करते हैं आपके लिए, मतलब कितने बड़े क्रिटिक हैं वो आपके? सबसे पहले मुझे ये बताएं। नहीं देखिए, दोस्त तो बहुत बहुत क्रिटिक हैं और हमारे दोस्तों में एक अच्छी बात ये है कि जो चीज़ जैसी होती है वो बता देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स और फैमिली के अलावा भी हम लोग ये चाहते हैं कि जो आम जनता है, द ऑडियंसेस, आई थिंक दैट दे शुड लव द फिल्म, दे शुड कम एंड वॉच दिस मूवी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ ऑल्सो हैविंग अ वेरी वेरी गुड मैसेज टू इट, एंड बड़े दिल से बनाई है, बड़े मेहनत से बनाई है, तो अगर लोग देखेंगे और पसंद करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। ट्रेलर तो आई होप देखा होगा। ट्रेलर देखा है और बहुत अच्छा ट्रेलर है और ये मेरा प्यार है। मैं फुल ऑन सपोर्ट करने आया हूँ और मुझे एज एन एक्ट्रेस का काम बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी देखने आया हूँ। और माही में तो हम लोग साथ थे, तो हमारा जिस तरह का एक हमारी जैसी दोस्ती बनी है, आई फील कि मेरे लिए बड़ा अधूरा होता अगर वैभव नहीं आता। तो इफ़ ही इज़ हियर आई एम रियली वेरी हैप्पी। पहले कोई नहीं जानता है, मुझे पता है फिल्म के बारे में, तो पहली चीज़ जो होती है जिससे एक्सपेक्टेशन बनती है उसे कहते हैं ट्रेलर। ट्रेलर तो धमाल है, आप सबने देखा है, और सब्जेक्ट उससे क्लियर हो जाता है, वो भी धमाल है, बहुत अच्छा है, वो सब आपने देख लिया है, तो ऑब्वियस है कि उम्मीद बहुत है इस फिल्म से, और 100% वर्क करेगी, लोगों को पसंद आएगी, एंटरटेन करेगी और कुछ दे के जाएगी जो आज हमारे समाज में और हमारे गांव और शहर में सबको ऐसे सब्जेक्ट की ज़रूरत है जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और कुछ तो मिलेगा जिससे उनको ज़िंदगी में फ़ायदा होगा। Honestly, to my surprise, people were quite aware of our film, you know, that it's coming and they really like the song, so all good vibes. Also, talking about film, काफ़ी important मुद्दे पे बात करती है, किसानों के मुद्दे पे बात yeah. करती है, तो हमारी audience को बताइए कि क्या क्या expectation लेके आ सकते हो इस film में? I mean, guys, just come यार, ये it's a special film, क्योंकि it talks about the youth of our country, it talks about the plight of our farmers today in our country. And these two things are almost everything of our country. So we have to solve these problems, make sure these two powers come together. Only then our nation can actually succeed in, you know, becoming a developed nation. So come watch this and have fun. The film is badhiya hai, humne khub maze se banayi hai aur entertaining hai. Hope you like the stories, the character. Friday jo hota hai na, shukrawar, main manta hu ki duniya bhar ke liye ek normal शुक्रवार होता है, लेकिन जो एक फिल्म एक्टर होता है उसके लिए, जिसकी फिल्म रिलीज़ होने वाली होती है उसके लिए शुक्रवार एक ईद और दिवाली जैसा होता है। और ईद और दिवाली जब भी आती है एक बहुत लंबी तपस्या के बाद आती है, चाहे वो एक महीने के रोज़े हों या एक 14 बरस का वनवास हो। तो पेंडेमिक की वजह से हम लोग सिनेमा से काफ़ी दूर थे और घर पर ही मनोरंजन हो रहा था, OTT पे, TV पे, मोबाइल पे, तो हम लोग मिस कर रहे थे इस मैजिक को, क्योंकि सिनेमा का जो मैजिक है वो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ना वो छोटा पर्दा, टेलीविज़न, ना मोबाइल, ना लैपटॉप, कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे एक आदमी नहीं हंसता, बहुत सारे लोग हंसते हैं, वहाँ पे एक आदमी नहीं रोता, बहुत सारे लोग रोते हैं, तो एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग ए फिल्म, ये जो मैजिक है ये इसके कोई तोड़ नहीं है। और डेफिनेटली आज मतलब हमारे लिए एक ईद जैसा है कि फाइनली 2 साल का पेशेंस जो है वो उसका सब्र का फल मिलने वाला है और फिल्म रिलीज़ हो रही है। तो बस यही लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जाके सिनेमा हॉल में इस फिल्म को देखें, क्योंकि अगर आप मोबाइल पे फिल्म देख रहे हैं तो आप फिल्म तो देख लेंगे लेकिन वो एक्सपीरियंस मिस कर देंगे जो एक सिनेमा में फिल्म देखने का एक्सपीरियंस होता है। और दूसरी बात यह है कि इस तरह की फिल्मों को सपोर्ट चाहिए होता है ऑडियंस का, जो कि मासिस से कंसर्न है, उनके मुद्दों से, किसानों का एक मुद्दा है, लोग बहुत सारे निराशाओं से घिरे हुए किसान सुसाइड करते हैं, बहुत सारे युवा सुसाइड कर रहे हैं, तो जो उम्मीद खो चुका होता है आदमी, तो उसको एक उम्मीद की किरण चाहिए होती है, तो ये एक फिल्म मेरे ख्याल से उसमें एक अच्छा प्रयास है। तो आई वुड रिक्वेस्ट पीपल टू गो टू द थिएटर नियर देम एंड वॉच दिस फिल्म इन सिनेमा हॉल्स। थैंक यू सो मच। अच्छा रिस्पॉन्स रहा, लोग
काफ़ी पसंद कर रहे थे हमारे ट्रेलर को, सॉन्ग्स को भी, एंड वी आर वेरी लाइक लास्ट टाइम यू नो ऑनर्ड, वी हैव रियली अप्रिशिएटेड द ट्रेलर सो मच. सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आई एम फराज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म. सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस तरीके का प्यार हमारे ट्रेलर को मिला है, बस उतना ही प्यार हमारी फिल्म को भी मिले जो कल रिलीज़ होने वाली है. और बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है और बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है, तो सभी लोग 6 तारीख से आगे. तो एक्टरों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आइए, ये आनंद है, आइए, बिल्कुल आइए. और सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, सभी एक्टर्स ने कमाल का काम किया है, तो ज़रूर देखें आप सिनेमा घर में जाकर. बिल्कुल इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि ये फिल्म न सिर्फ किसानों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये फिल्म इस कंट्री के यूथ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो हमारे देश का पढ़ा लिखा नौजवान है उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें इसे जाकर, और ट्रेलर को जिस तरह पसंद किया है उस तरह फिल्म को भी पसंद करें. नर्वस तो हूँ, बट जितने ज़्यादा फार्मर्स नर्वस होते हैं उतनी ज़्यादा तो नहीं हूँ. तो बस वो आके फिल्म देखिए, और आप प्लीज़ ज़्यादा प्यार दीजिए फिल्म को. मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती स्प्रेड कीजिए. थैंक यू. मैम कैसा एक्सपीरियंस रहा एक्टर्स के साथ, और आप लोग प्रमोशन के लिए गए थे दिल्ली पुणे, वहाँ का किस तरह का रिस्पांस था लोगों का? बहुत अच्छा रिस्पांस तो बहुत अच्छा था, और एक्टर्स के साथ तो बहुत ही अच्छा. आप लोगों ने देखा स्टारकास्ट बहुत अच्छी है, तो यू ऑल विल सी, यू विल एंजॉय इट.